हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग अपने ब्रांड न्यू आईफोन 11 की। ये फ़ोन मैंने अभी ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से और ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है और मैं आज आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अमेज़ॉन की इस बार रैपिंग नहीं आई है, जैसे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट जो हम लोग यूजुअली रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग एक अमेज़ॉन की पॉलिसी होती है, बट दिस टाइम दिस इज़ जस्ट अ बॉक्स, सिर्फ एक बॉक्स आया है और उसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे आईफोन 11 के साथ साथ हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ आईफोन 11, अदर देन दिस दिस इज़ द रिसीट एंड दीज आर द रिसीट्स ओनली। ये हमारे आईफोन 11 का बॉक्स, ये हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करना। वाओ, सो आई हैव ऑर्डर्ड द ब्लैक आईफोन 11, सो really looking so beautiful and sleek and smart. So as you can see, the phone is looking absolutely gorgeous. And let's see what are the other things we have got in this. So these are the glass we have received for our phone. This is the SIM tray remover. Other than that, there are some Apple logo stickers. This is the charger which we have received. So this is an 8 watt charger, but as we know, this phone supports 15 watt. So basically the phone supports the fast charging, but we have received only 8 watt charger. This supports 15 watt charger which you can get from the market. Other than that, we have received these AirPods with it and the data cable with the charger. So these are the all 4 things we have received: the AirPods, the charger, the SIM tray remover, some stickers, the receipt. Let me remove the receipts, and this is the SIM tray. So now we'll start the phone. The phone is looking absolutely stylish. हम लोग start करते हैं अभी phone को. तो बेसिकली जो इसका साइड का पूरा है दैट इज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड वी कैन सी एट द टॉप पे कुछ भी नहीं है विच इज़ रियली क्लासी। एंड इफ़ यू मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ दिस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड वन म्यूट बटन। इफ आई गो इन द डाउन पार्ट देयर इज़ वन चार्जर स्लॉट, अदर देन दैट देयर आर टू ऑप्शन, द स्पीकर्स एंड माइक्स एंड फोन इज स्टार्टिंग एज़ वेल।